इसको हम यस और नो टाइप भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, किसी से भी अगर हम क्वेश्चन पुट अप करें तो वो केवल आंसर हमें यस और नो ही दे सकता है। फॉर एग्जांपल, क्या राम खाना खाता है, तो हम इसका आंसर देंगे ओनली यस और नो में, या तो बोलेंगे यस खाता है या बोलेंगे फिर नो। तो इन दोनों में से हम कोई भी एक ही आंसर दे सकते हैं। क्या सीता दिल्ली जाती है, तो इसे हम यस और नो टाइप भी बोल सकते हैं। तो लिखेंगे ये वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए, उसके बाद आपको
फॉर्मूला है इसका, सबसे पहले हम यूज करेंगे वो है क्वेश्चन वर्ड। जो भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आएगा उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हम यूज करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है वही है हमारी डू या डस। उसके बाद सब्जेक्ट। उसके बाद हम यूज करेंगे अगर सेंटेंस में नोट है तो नोट, अदरवाइज नोट यूज नहीं करेंगे। उसके बाद वर्ब फर्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सेम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसका हम एग्जांपल लेने वाले हैं। तो यहां तक सभी नोट करा होगा। एग्जांपल नंबर वन है तुम अब क्या करते हो। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूला क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड उठा के यहाँ रखो, क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड लगेगी हमारी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा तुम, ये प्लूरल नाउन है तो इसके साथ डू हम यूज करने वाले हैं, व्हाट डू। उसके बाद सब्जेक्ट तुम, व्हाट डू यू। उसके बाद वर्ब क्या है, कार्य क्या हो रहा है हमारा, करना, तो इसको भी हम डू ही बोलते हैं, व्हाट डू यू डू। उसके बाद अदर वर्ड नाउन, व्हाट डू यू डू नाउन, नोट करिए। उसके बाद हम दूसरा एग्जांपल आपको कराने वाले हैं। देखिए सेकंड एग्जांपल, तुम्हें अब कौन बुलाता है। तो इसमें सब्जेक्ट तो आपका है ही। ये जो कौन वाले सेंटेंस होते हैं जिनमें हम हु का यूज करते हैं, इन्हें हम एफर्मेटिव की तरह बनाते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड का है हमारा कौन, तो हु। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा है ही इसमें, तो इसमें हम वर्ब लगाने वाले हैं बुलाना, हु। इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं तो हम वर्ब, ना तो इसमें नोट है ना इसमें सब्जेक्ट है, तो जब इसमें सब्जेक्ट और नोट है ही नहीं और ना ही इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा तो एफर्मेटिव की तरह बनेगी, तो बस वर्ब का यूज करने वाले हैं कॉल। तो कॉल में हम एस लगा देंगे क्योंकि एफर प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस का यूज करते हैं। हु कॉल्स, किसे बुला रहा है, तुम्हें, ये ऑब्जेक्ट है, हु कॉल्स यू नाउ। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए। उसके बाद अब देखिए हम एग्जांपल नंबर थर्ड देख रहे हैं, राम पुस्तक क्यों नहीं पढ़ता है। तो सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड है क्यों, इसको लिखेंगे हम व्हाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी, हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा राम, तो राम आपका सिंगुलर नाउन है तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करने वाले हैं डस, व्हाई डस। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपका राम। उसके बाद आया नोट, वर्ब फर्स्ट, क्या वर्क हो रहा है, पढ़ा जा रहा है तो इसको लिखेंगे रीड। Why does Ram not read? Object क्या है, बुक, पुस्तक। Why does Ram not read the book? ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंटरप्रेटिंग सेंटेंस में। अब देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सीता मंदिर क्यों नहीं जाती है। तो सेम है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड उठाने वाले हैं क्यों, हम वाई बोलते हैं वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा सीधा तो यहाँ पर भी डस आने वाला है।
उसके बाद सब्जेक्ट हमारा सीता है, वाई डस सीता, उसके बाद नहीं आ रहा है तो हम नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद वर्क क्या हो रहा है जाना, तो जाने को हम वो लिखेंगे, कहाँ जा रही है मंदिर, वाई डस सीता नॉट गो टू टेम्पल, ठीक है। तो यहाँ तक सभी बच्चे नोट करेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज आपके कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ तो बच्चों, अगर इसकी फर्स्ट वीडियो भी आपको देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुए, और नेक्स्ट आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हम पढ़ाने वाले हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।